शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वाह मासी जी वाह, आपने तो कभी सोचा भी नहीं था। इतने दिनों से हम जिस चेहरे की तलाश कर रहे थे वो शातिर अपराधी इस मासूम माँ जैसे मासी के चेहरे के पीछे छुपा हुआ है। आपने हमारे सब के बीच में दूरियां लाई, आपने मासी जी, और तो कल माँ को आपने मारा। अरे सिद्ध, जिसने आपको माँ से भी बढ़ के दर्जा दिया उससे उसी की माँ को छीन लिया। हाँ छीन लिया, क्योंकि मैं सिद्ध के माँ की जगह लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे अपने हाथों से मार डाला। जैसे तुम अपना प्यार पाने के लिए ये सब कर रही हो, वैसे ही मैंने अपना प्यार पाने के लिए ये सब किया। मेरा राज जानते हुए भी तुम यहाँ आई हो अपनी जान को खतरे में डाल के, क्यों आशि? जानती थी मेरा राज जानने में तुम्हारी जान भी जा सकती थी, और यहाँ आ गई। हाँ आई हूँ, क्योंकि हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, सिर्फ हमारा प्यार भी है, हमारा पति भी है, और ये सब कुछ सिर्फ हम अपने पति के लिए कर रहे हैं, शौहर के पति को छीनने के लिए नहीं। और कीत, तुम्हें तो हमने सिद्ध ने अपना दोस्त माना, तुम पे इतना विश्वास किया, और हमारे विश्वास के बदले में तुमने ये किया, क्यों कीत? सेम रीजंस डार्लिंग, प्यार के लिए, सिद्ध के प्यार के लिए। तुम्हें क्या लगा कि मैं अभी तुम्हारे खिलाफ आई हूं? नहीं आशि, मैं तो शुरुआत से तुम्हारे खिलाफ थी। याद है सिद्ध की मुझसे शादी होने वाली थी, लेकिन तुम बीच में आ गई। कब से मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या क्या नहीं किया मैंने? और तो और तुम्हारे एक्स पति कुणाल के साथ मिलके भी मैंने बहुत गेम्स खेले, तुम्हें बहुत दर्द दिया। लेकिन तुम्हारी किस्मत तो देखो, मेरी इतनी प्लानिंग इतनी प्लॉटिंग के बाद भी तुमने मेरे सिद्ध पे कब्जा कर लिया। सिद्ध ज्यादा देर आशी के कब्जे में नहीं रहेगा, क्योंकि आज सिद्ध और आशी की प्रेम कहानी खत्म। हाँ सिद्ध और आशी को अलग होना ही पड़ेगा। हमारे सिद्ध कभी अलग नहीं हो सकते, हमारे बीच के गलत फहमियां हम दूर करेंगे, सिद्ध को आप दोनों का सच हम बताएंगे। बहुत हंसी आ रही थी ना, इस फोन में आप लोगों की सारी बातें रिकॉर्डेड है, अब हम जाके सिर को सच बताते। जाओ जल्दी जाओ। फोन दीजिए मरा आशी, मुझे फोन दो। इन जोड़ों को एंड डिलीट। ये लड़की तो बाहर से दरवाजा बंद कर गई, बाहर कैसे निकलेंगे आप? एक सीक्रेट रास्ता है, पता है? चलो मैं बताती हूँ, चलो 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 जल्दी चलो। चलो जल्दी देखते आ जा। आ जाके चेक करो प्लीज, जल्दी देखो। राम जी, हम कैसे निकले यहाँ से? मुझे लग रहा है वो भाग गए। You know, Keith, you are good for nothing. एक लड़की को मार नहीं सकती थी, उसे ढूंढ नहीं सकती थी तो आपने कौन सा पकड़ लिया उसे? हाँ, और वैसे भी मैं कोई प्रोफेशनल किलर नहीं हूँ आपकी तरह, और ना मुझको किसी का मर्डर करके जेल में चक्की पीसनी है। सिद्ध के साथ बस अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, तो प्लीज मुझे इस खून वून से दूर रखिए। You are right. मुझे ना तुम्हें अपने प्लान से दूर ही रखना चाहिए। इनफैक्ट ना मुझे तुम्हें एक सजा देनी चाहिए, मौत की सजा। एक मौत की सजा भी जेल, और दूसरी मौत की भी जेल। तो फर्क ही क्या पड़ता है? आशी, आशी तुम कहाँ हो? बाहर निकलो। आज तुम्हें मार के रहूंगी।
और उसके बाद उसके प्यारे पति सिद्ध को। आशी, हमें जल्दी सिद्ध के पास पहुंचना होगा, उसे मासी का सच बताना होगा। शाम जी मदद करो। हमने तुमसे कहा था ना कि कोई है जो जो हम दोनों के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। हम जान गए कि कौन है वो दुश्मन। कौन है वो? वो कोई और नहीं, नीलिमा मासी जी है। क्या? हाँ सर, इतने दिनों से गीत के साथ मिलके ये सब चाले, ये सब कुछ नीलिमा मासी जी ने किया है। बस आशी, होश में तो हो, बोलने से पहले सोच लिया करो। मासी है मेरी, मेरी माँ जैसी, और तुम उन पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो। सर हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सच कह रहे। इतने दिनों से ये जो हमारे साथ हादसे हो रहे हैं, हमारे बीच जो अजीब सी कड़वाहट आई है, ये सब कुछ नीलिमा मासी का किया धरा है। और तो हेलो, पहले पुराने फार्म हाउस पे हादसा हुआ था कल हमारे के साथ, वो भी कोई हादसा नहीं था, साजिश थी। कैसी साजिश? कल हमारे को मारने की साजिश। जिस आग में जल के कल हमारे की मौत हुई, वो आग लगी नहीं थी सिर, वो जानबूझ के लगाई गई थी। किसने लगाई? नीलिमा मासी ने। कलमा को नीलिमा मासी ने मारा है। नहीं आशी बेटा, तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ गलतफहमी हुई है। वो ऐसा क्यों करेगी? पापा जी हम सच कह रहे, नीलिमा मासी ने ही कलमा को जला के मार दिया। बस एकदम चुप। मेरी मासी पे इतना घिनौना इल्जाम, भला वो अपनी ही बहन को जला के क्यों मारेंगी, क्यों उनकी जान लेंगी? प्लीज हमारी बात का विश्वास करो, हम झूठ नहीं कह रहे। नीलिमा मासी ने अपने सारे गुनाहों को कबूल किए, उन्होंने तो एक और जान लिए से। मासी ने गीत का खून कर दिया, गीत अब इस दुनिया में नहीं है से। अगर मासी ने गीत का खून कर दिया और गीत इस दुनिया में नहीं है, तो ये कौन है? नीलिमा मासी ने मेरी जान ले ली और मुझे ही नहीं पता चला कि तुम गीत का खून हो गया। आई थिंक ये गीत ही है ना। अब बोलो आशी, अब भी यही बोलोगी कि झूठ नहीं बोल रही? सच तुम्हारे सामने खड़ा है, अब भी कोई जवाब है? मिसेज आशी सिद्धार्थ शर्मा, अब भी बोलोगी मेरी मासी ने मेरी माँ की जान ले ली? क्या जिस कला दीदी में मेरी जान बसती थी, मैं उसी कला दीदी की जान लूंगी? ये क्या कह रही हो आशी तुम? इतना बड़ा इल्जाम, मैंने तुमसे हमेशा बेटे की तरह प्यार किया, जब कोई तुम पर विश्वास नहीं करा था मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम मेरे परिवार को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, अपनी सगी बहन के जान लेने का इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ आशी, प्लीज ऐसा मत। मुझे आशी की बात पे जरा भी विश्वास नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। सिर्फ हम पे विश्वास करो, हम झूठ नहीं बोल रहे। ये आंसू, ये प्यार, ये सब कुछ दिखावा है, धोखा धोखा है ये सब। धोखा तो तुमने दिया है। और कितना नाटक करोगे? मैं जानता हूँ ये नाटक तुम क्यों कर रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बताओ आशी, क्यों बर्बाद करने पे तुलियो मुझे? ये कल कला क्रिएशंस का लॉन्च था, और आज सिंघानिया ने मित्तल एंड मित्तल्स के साथ मिलके ये डिजाइन लॉन्च कर दी। ये डिक्टो जो कला क्रिएशंस लॉन्च करने वाला था, ये डिजाइन तो हमारी है, ये हमने सिंघानी ऑफिस के लिए बनाई थी। झूठ, ये मेरी मासी ने बनाई है कला क्रिएशंस के लिए। वाह मासी वाह, मतलब अब आपने चोरी की, हमारे डिजाइन चोरी करके सिर के सामने प्रेजेंट की, वो भी अपने नाम से। इनफ, पहले पहले तुमने मुझ पे खून का इल्जाम लगाया, और अब चोरी का। चोरी का इल्जाम फिर भी छोटा है, लेकिन अपनी बहन को मारने का इल्जाम। बस करिए अपना नाटक मासी जी, और कितना नाटक करेंगी? हाँ आप भी अच्छे से जानती हैं कि हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। बस आशी बस, अब एक और लफ्ज़ नहीं, अब मैं इस नाम की शादी में भी नहीं रहूंगा। दो दिन का टाइम दिया था ना तुमने मुझे, डाइवोर्स पेपर्स ऑलरेडी दे चुका हूँ तुम्हें मैं। मेरा फैसला फाइनल है, आज शाम को भी वेट नहीं करूंगा मैं, अब वो तुम पे है, आज साइन करना है या कल। सिद्ध भाई, कतई जहर, कि क्या कर दिया तुम्हें आशी? तू लगता है सच में
हमारे कुणाल की जायदाद किसी ट्रस्ट में चली जाएगी, सब तुम्हारी वजह से।